नमस्कार दोस्तों, जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान की तेलुगु फिल्म देवारा आएगी दो पार्ट्स में। इसके मेकर्स ने घोषणा की है कि तेलुगु फिल्म देवारा दो पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट रिलीज होगा 5 अप्रैल 2024 को। फिल्म का बजट है 300 करोड़। मेकर्स के मुताबिक फिल्म का कैनवास बहुत ही बड़ा है और एक पार्ट में स्टोरी नहीं समेटी जा सकती थी, इसीलिए इसे दो पार्ट में बनाया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कोटाला शिवा और म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। सैफ अली खान इसमें विलेन की भूमिका में है। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होगी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ओरिजिनल तेलुगु और हिंदी में। अब जब साउथ के स्टार बड़ी बड़ी फिल्में साउथ में कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगा कि वो हिंदी में आके अपनी मट्टी पलित करना चाहेंगे। पता नहीं जूनियर एनटीआर ने क्या सोच समझकर विलेन का रोल एक्सेप्ट किया है फिल्म वॉर में। सनी देओल की फिल्म गदर ओटीटी पर। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई थी और 2 महीने के अंदर ही Zee5 पे 6 अक्टूबर को प्रीमियर होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। फिल्म का अभी तक का बिजनेस हुआ है 525 करोड़ और ये फिल्म पठान के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, लेकिन जवान जल्दी गदर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। इतनी सुपर डुपर हिट होने के बावजूद ना सनी देओल, ना अनिल शर्मा, ना उनके बेटे की कोई नई फिल्म अनाउंस हुई। कल ले देकर आमिर खान ने अपनी प्रोडक्शन की नई फिल्म की घोषणा की है, लाहौर 1947, जिसे डायरेक्ट करेंगे राजकुमार संतोषी। और अनिल शर्मा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका बेटा उत्कर्ष अभी भी घर पे बैठ के मक्खी मार रहे हैं। उत्कर्ष का भविष्य तो नहीं है, अनिल शर्मा जरूर गदर 3 या अपने 2 की प्लानिंग में लग गए होंगे। जावेद अख्तर मुंबई आए थे सिर्फ 27 पैसे लेकर। 78 वर्षीय जावेद अख्तर 4 अक्टूबर 1964 को मुंबई सेंट्रल उतरे थे और उनके पॉकेट में थे मात्र 27 पैसे। उन्होंने स्ट्रगल के दौरान रेलवे स्टेशन पर सोकर, फुटपाथ पर रहकर और बिना कई दिनों तक तो खाना खाए अपने स्ट्रगल के दिन बिताए, लेकिन टैलेंट था, कुछ करने की गुजारिश थी और आज किस मुकाम पे खड़े हैं पूरी दुनिया जानती है। उनकी पहली शादी हुई थी हनी ईरानी से और उनके 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर, और सेकंड शादी हुई थी उनकी शबाना आजमी से। किसी ने सच कहा है, अगर मन में कर गुजरने की कुछ तमन्ना है तो आदमी यकीनन उसे हासिल कर ही लेता है। जावेद अख्तर इसकी जीती जागती मिसाल है। करण जौहर का कॉफी विद करण 26 अक्टूबर से। कॉफी विद करण का 8वां सीजन 26 अक्टूबर से शुरू होगा और इसे डिज्नी हॉटस्टार पे दिखाया जाएगा। इसका पहला सीजन करण जौहर ने शुरू किया था 2004 से और करण जौहर इसमें अपनी पुरानी मंडली और निपोटिज्म के बच्चों को ही बुला के लोगों को बोर करते हैं या थोड़ा बहुत एंटरटेन करते हैं। मिस्टर करण जौहर, अब लोग पक चुके हैं आपके वही पुराने सवालों से, वही पुराने ढर्रे से। कुछ सोच बदलो, कुछ नयापन लेके आओ और आप में वाकई गट्स है तो कंगना को बुलाओ, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मेंबर्स को बुलाओ, तो लोगों को मजा आएगा कि आपका प्रोग्राम कितना निष्पक्ष है। राजशील प्रोडक्शन की दोनों पे एक पर एक फ्री का ऑफर। फिल्म दोनों आज रिलीज होगी शाम के 7 बजे से और इस पर एक फ्री का ऑफर दिया गया है मेकर्स ने। इस फिल्म से 3 बड़ी हस्तियों के बच्चे लॉन्च हो रहे हैं। पहले हैं डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल, जो इस फिल्म में हीरो हैं, और हीरोइन पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा। राजश्री वालों ने अपनी टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के तहत इसे मात्र 273 थिएटर में रिलीज किया है और सेकेंड वीक में इसके थिएटर बढ़ेंगे। डेफिनेटली ये फिल्म राजश्री की बैनर की स्टाइल में बनी होगी, साफ सुथरी डिसेंट फिल्म और लोगों को अपील करेगी। उम्मीद है कि ये फिल्म तीनों का भविष्य उज्जवल करे। हमारी राजश्री बैनर्स को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रणबीर कपूर को ईडी का बुलावा। रणबीर कपूर को फ्राइडे 6 अक्टूबर को ईडी ने अपने ऑफिस में बुलाया है कि उन्होंने एक प्रमोशन किया था इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप का और कंपनी का नाम है महादेव ऑनलाइन बुक। ये इलीगल बैटिंग ऑपरेटिंग कंपनी है जो भारत में भी रजिस्टर्ड नहीं है और यूएई में भी नहीं। इसके कॉल सेंटर नेपाल, श्रीलंका, यूएई वगैरह में है और करीब 60 एप्स हैं उनके गैम्बलिंग के और बैटिंग के। और अब जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो कहते हैं ये कंपनी बहुत जोरदार तरीके से ऑपरेट हो जाएगी। वैसे ईडी की इंक्वायरी चल रही है छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। फिलहाल तो रणबीर कपूर को एज ए विटनेस बुलाया गया है और उनका रोल जाना जाएगा कि उनका रोल क्या था, कितने पैसे मिले। वैसे कंपनी ने कहते हैं करीब 400 करोड़ का घोटाला किया है। इसके अलावा 15 और सेलिब्रिटी हैं, कई सारे स्पोर्ट्समैन हैं और करीब 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हमें समझ में नहीं आता कि पैसे के लालच में ये फिल्म स्टार, ये क्रिकेटर्स क्यों फंस जाते हैं। जब अपने प्रोफेशन से इतना कमाते हैं तो क्या सोच समझ के डिसाइड नहीं कर सकते कि किस ऐप को प्रमोट करना है, किसकी मॉडलिंग करनी है।
पीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।